सो वेरी गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन. सो लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था बच्चों, कि हमने एरीन्स में आपका हाफ चैप्टर हम पहले ही कर चुके थे. एंड यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट. दो डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वो हमने वन बाय वन सारी देखी थी यहाँ से. राइट, सो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाई एरीन्स गो फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम व्हाट आर दे वो देख चुके थे. फिर कुछ हमने रिएक्शन स्टडी की थी, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट, मर्क्यूरेशन, फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड लास्ट में असाइलेशन. तो ये कुछ रिएक्शन हमने स्टडी किया था. सो नेक्स्ट आपके पास आज का टॉपिक है, दैट इज द ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. देखिए, बेंजीन के पास आपके पास 6 प्रोटॉन्स है, 6 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू द कार्बन स्केलेटन ऑफ बेंजीन रिंग, राइट, एंड ऑल ऑफ देम आर सिमेट्रिकल. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप बेंजीन को किसी से रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, ऑलवेज. तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वट विल हैपन यदि आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को किसी रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, तो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग, राइट. तो आपके बेंजीन रिंग में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसके अंदर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये दो फैक्ट्स को कंट्रोल करेगा, वो ध्यान रहे. एक तो क्या कि ओरिएंटेशन क्या रहेगी. देखिए यहाँ 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट रिएजेंट्स के लिए, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है, पैरा पे आ सकता है, या मेटा पोजीशन पे. सो देर आर 3 पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, राइट, एंड आउट ऑफ 3 कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द दिस ग्रुप प्रेजेंट. ओके, सो वो इसके द्वारा प्रेजेंट कंट्रोल किया जाएगा. एंड सेकंड फैक्टर विच दिस ग्रुप विल कंट्रोल इज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग. देखिए बेंजीन रिंग आपको पता है इट इज अ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन साइक्लिक क्लाउड, राइट. तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक क्लाउड है अबव एज वेल एज बिलो द प्लेन, राइट. तो एनी सब्स्टिट्यूएंट्स यदि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हांस कर रहा है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट. और यदि कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग विल डिमिनिश और डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स वाई द रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, ये बात ध्यान रहे. तो इसलिए एनी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, आपको पता ही है कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं. सो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दे प्रेफर टू इन्हांस द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, राइट. और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है. तो इन क्रक्स आई विल से कि जो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है वो दो फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है. फर्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन, दैट मींस ऑर्थो बनेगा, मेटा बनेगा या पैरा बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन. ओके, एंड सेकंड रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग, कि वो बेंजीन रिंग आपकी रिएक्टिव हो जाएगी या डीएक्टिवेटेड होगी. तो आगे चल के अब हम वन बाय वन इन्हीं दोनों फैक्टर्स को देखेंगे कि कैसे आपका सब्स्टिट्यूएंट्स कंट्रोल करता है, राइट. तो आई गेस आपको क्लियर है. तो आगे चलते हैं, द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन पे कैसे इफेक्ट होगा, देखिए, दिस इज द टोलुइन मॉलिक्यूल व्हिच पजेसेस द मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट. और मिथाइल ग्रुप आपको पता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इट गिव्स यू द प्लस आई इफेक्ट, राइट. तो प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट होता है CH3 ग्रुप का. तो नाइट्रिक एसिड से जब आप ट्रीट करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे,
ortho and para, they will be formed. Electron donating group are the ortho and para directing group. And similarly, meta ke case mein kya hai, the NO2 group hai. That is the meta directing group. So meta directing group will provide you the major amount of meta dinitrobenzene. ठीक है, तो आगे देखेंगे हम कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. तो टू कैटेगरी में हमने देखिए, और हाँ साथ में ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वर्ड आएगा. व्हाट डिड इट मीन, इसका मतलब केवल इतना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप वो डायरेक्ट करेगा किसको, जो न्यू कमिंग आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है कि आपको ओथो पे जाना है, पैरा पे जाना है, मेटा पे जाना है. सो दिस property is termed as a directive influence, right? So two groups mein humne divide kiya hai. First one is the ortho para directing groups. For example, your alkyl groups, phenyl groups, halogens ka dhyan rahiye, exceptional case hai, aage I discuss karenge hum aage chalke. Hydroxyl, alkoxy, amino, aryl, alkyl amino, dialkyl amino, anilide, all of them are the examples of ortho para directing group. And you will see one thing is common in maximum cases, ki everyone has a lone pair of electron present in there on the atom. Jo jaise nitrogen attached hai, to nitrogen pe bhi lone pair available hai, oxygen pe bhi available hai, halogens pe bhi, right? So meta directing kya hai next? Meta directing means जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं. एंड सम एग्जांपल्स आर द दिस ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन, ट्राई हेलोमिथाइल नाइट्रो ग्रुप, द फेमस वन साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स विच रिप्रेजेंट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. और यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट इन सभी में या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है. तो ये ध्यान रहे, तो दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. इन शॉर्ट, यदि हम कहें कि सब्स्टिट्यूएंट्स विच कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड्स, दे आर यूजुअली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, व्हाइल दोज कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the atom directly linked to benzene ring are known as a, are called ortho and para directing groups, right? तो यहां से आप इसको memorize कर सकते हैं कि कैसे इसको ध्यान रखा जाए. So this was the first factor कि जो substituents already present है वो उसका directive influence क्या है, orientation कैसे decide करे. Second is the effect of substituents on the reactivity, कि reactivity पे effect कैसे होगा. तो उसके लिए ध्यान रहे टू वर्ड्स आते हैं, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स. तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, राइट? तो यदि बेंजीन रिंग पे आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, दैट मींस इट इज एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? सो देयरफॉर ऑल द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट अल्काइल फिनाइल, they contain one or more pairs of electrons. So these electrons interact with the pi electron of the benzene ring, thereby increasing the density at all the nuclear positions, but increase in electron density is much more at ortho and para. Yani ki yadi aapke ortho para directing group present hai benzene par, then it will enhance the electron density at the ortho and para much more, right? The ortho para position पे ये density को बढ़ा देंगे. So that's why they are known as a ortho para directing groups. Right. And similarly, if the molecule or you may say if the benzene ring contains the meta directing group or the electron withdrawing group, right? Then electron withdrawing group will capture or withdraws the electron density from the all the carbon atoms, but
that इफेक्ट विल ऑल्सो बी मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन राइट। तो यदि मैं ओवरऑल कहूँ, एक बात ध्यान रखने, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की बात है बेंजीन रिंग को या उससे विड्रॉ करने की बात है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा राइट। अब मुझे एक बात बताए, हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रिगार्डिंग राइट। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज अटैकिंग ऑन द बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के केस में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डेंसिटी ज्यादा है राइट, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा पे राइट। सो दैट इज द रीजन दे आर नोन एज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बट इन द केस ऑफ मेटा ग्रुप्स व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो भी कहाँ से विड्रॉज ज्यादा करेंगे? ऑर्थो पैरा से, क्लियर है। सो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया गया है। अब मुझे ये बताए, आउट ऑफ थ्री सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ बची? ऑर्थो से पे कम है, पैरा पे कम है, लेकिन मेटा से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो मेटा पे ज्यादा है। सो दैट इज द रीजन कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप दे गिव यू द मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, क्योंकि मेटा पोजीशन पे अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि ऑर्थो पैरा से उसने विड्रॉ कर लिया है, क्लियर है। सो दैट्स वाई दे आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एज दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सो दे आर द डीएक्टिवेटिंग राइट। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग राइट। कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी एस थ्री प्रेजेंट है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये 300 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्थो और पैरा आइसोमर बन रहे हैं, दैट मीन्स ओरिएंटेशन डिसाइड कर दी मिथाइल ग्रुप ने कि ऑर्थो और पैरा बनेंगे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपने क्या किया कि नाइट्रो ग्रुप लगा दिया बेंजीन रिंग पे, तो सेम रिएक्शन आप कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो 370 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब रिएक्शन काफी स्लो हो, तो इसलिए हमें उसको फास्ट करने के लिए एक तो कंसंट्रेशन बढ़ा दी राइट, तो हार्श कंडीशंस कर दी। हार्श कंडीशन कब करते हैं? जब ये रिएक्टिव नहीं है राइट। सो दैट्स व्हाई नाइट्रो ग्रुप हैज डीएक्टिवेटेड दिस बेंजीन रिंग व्हाइल CH3 हियर हैज एक्टिवेटेड द रिंग, दैट्स व्हाई एट इजियर कंडीशन आल्सो द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सिमिलर केस यहां है, डीएक्टिवेट कर दिया है इसलिए हमें हार्श रिएक्शन देनी पड़ी। हार्श कंडीशंस में आपको प्रोडक्ट कौन सा मिला है? दैट इज द ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाय NO2 मेटा राइट। सो यहां से आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन एज वेल एज रिएक्टिविटी दोनों ही डिसाइड कर रहा है जो मोन ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी राइट। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है थ्योरी क्या है कि हाउ विल यू थ्योरेटिकली प्रूव द अबव फैक्ट्स, जो हमने अब तक डिस्कस किए वो हमने कह तो दिया लेकिन थ्योरेटिकली कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो हम इस वन बाय वन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या है, देखिए थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी के केस में हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है दे विल एक्टिवेट द रिंग राइट, और रिंग के एक्टिवेट होने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन गेट इंक्रीज राइट। तो इजिली आपकी रिएक्शन हो गई और रेट विल बी फास्टर, लेकिन यदि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या डीएक्टिवेटेड है रिंग, तो रिएक्शन वुड बी स्लो एंड द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी लेस राइट। तो फर्स्ट वन देखते हैं, थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज द जनरल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ टिपिकल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन राइट। यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हमने रिमूव कर दिया है। देखिए दिस इज द बेंजीन रिंग, दैट इज द रिएक्टेंट राइट। बेंजीन रिंग के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एक बात देखिएगा कि ये जो है राइट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था जब हमने टू स्टेप मैकेनिज्म स्टडी किया था? दिस फर्स्ट वन, दिस वाज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
इसमें जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा या बैरियर होगा उतनी ही स्लो रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और ये जितना कम होगा उतनी ही रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन। सो द एनी सब्सटिट्यूएंट्स व्हिच टेंड्स टू लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वो क्या कर रहे हैं, देखिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा था आपका यहाँ पे विच इज अ कार्बोकैटायन, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप व्हाट विल दे डू, दे विल ट्राई टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो दैट्स व्हाई दे विल डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइज करने का मतलब है कि अब इसकी स्टेबिलिटी यहाँ आ गई, क्लियर है, और ये एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा ऑलरेडी, राइट। तो कहीं ना कहीं जो ये बैरियर है ये कम हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। सो यदि बैरियर कम हुआ है तो आपकी रिएक्शन वुड बी फास्टर, तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इंक्रीज, एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट कि दे हैव एक्टिवेटेड द रिंग। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके, राइट। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल intensify the positive charge, right? So electron withdrawing group इस पे intensify कर देगा, positive charge को बढ़ा देगा, जिससे इसकी energy बढ़ जाएगी, तो आपके पास जो gap है that would increase in this case, electron withdrawing group के case में, तो energy of activation बढ़ गया, barrier बढ़ गया, तो reaction would be slow, right? So that's why they have deactivated the ring. So this was the theoretical concept behind this activation and deactivation concept, right? So उसके बाद next आपके पास आता है, that is the theory of orientation. Reactivity हमने study कर ली कि क्या theory है, energy profile diagram देख लिया, उससे समझ लिया. So next आपके पास है theory of orientation, कि how will you theoretically prove that कि follow substituent is electron donating, राइट, एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए किसी भी ग्रुप में, चाहे आपका एल्काइल ग्रुप है, OH ग्रुप है, व्हाटएवर, राइट, उनका देखिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, और साथ ही में ड्यू टू कंजुगेशन दे विल बी प्लस आर एंड प्लस माइनस आर इफेक्ट ऑल्सो। तो दो इफेक्ट हमने स्टडी किए हुए हैं पहले, कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, तो दोनों के दोनों या तो आपके एडिटिव हो सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय दैट, कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हो, या फिर अपोज कर सकते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में दे हैव द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मीन्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो प्लस आई इफेक्ट है। अब ओरिएंटेशन को हमने डिस्कस करना है, बेसिकली रिएक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थो पे बनेगा, पैरा बनेगा या मेटा बनेगा, तो वन बाय वन आप तीनों की स्ट्रक्चर्स बनाएं जिसमें, राइट। सो ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है CH3 का, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल न्यू कमिंग जो आ रहा है, ठीक है। सो नाउ यदि ऑर्थो पोजिशन पे आपके अटैक होता है तो पहले ये स्ट्रक्चर बनेगी, ड्यू टू कंजुगेशन और रेजोनेंस फर्दर टू स्ट्रक्चर्स विल बी देयर, ठीक है। सिमिलर केस आपका पैरा के साथ है। अब इसमें मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए एक तो ये स्ट्रक्चर एंड वन दिस वन, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि जो ये कार्बन एटम है, इस जिस कार्बन एटम पे आपका सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, फिक्स है, उस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, राइट। सो कार्बन एटम इज बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस सिमिलर स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द मेटा अटैक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी रेजोनेंस में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। सो व्हाट इज द आउटकम, आप देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट इज द डिमिनिशिंग द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, सो दैट मीन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर, इन दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हालांकि ध्यान रहे ये भी तीन दे रही है स्ट्रक्चर, ये भी तीन है, ये भी थ्री स्ट्रक्चर्स है, लेकिन
द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज बोथ स्ट्रक्चर्स इज मच मोर स्टेबल है दोनों, राइट? सो ड्यू टू स्टेबिलिटी ओवरऑल द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, दोनों की वजह से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड दैट वुड बी स्टेबल और मेटा की अनस्टेबल होगी। तो अब एक बात बताए, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड थ्रू द स्टेबल इंटरमीडिएट, राइट? सो दैट्स वाई आपके पास ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, थ्री ग्राफ्स है, राइट? सो दिस वन दैट इज फॉर द मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो बेंजीन रिंग है, कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नाउ CH3 ग्रुप जब आ गया तो आप नोट करेंगे द एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट हैड एक्टिवेटेड द बेंजीन रिंग, सो दैट्स व्हाई द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गेट एनहांस्ड, राइट? फर्दर जो आपका ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, राइट? तो आपके पास है दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेटा आइसोमर बने या ऑर्थो एंड पैरा बने, राइट? और ऊपर हम देख चुके हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मड ड्यू टू ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन इज मच मोर, दैट्स व्हाई ये लोवर दिखाया गया है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है? तो अब मुझे ये बात बताए, देखिए ये आपके पास कॉमन है रिएक्टेंट की लाइन, सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी ज्यादा है या इसकी? सॉरी, तो एक तो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहां तक की, दैट इज द एनर्जी एक्टिवेशन ड्यू टू मेटा, एंड सेकेंड इज फॉर दिस वन, यहां से यहां तक की, दिस इज फॉर ऑर्थो एंड पैरा। तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है दैट इज वेरी लेस, सो दैट्स व्हाई रिएक्शन वुड प्रोसीड थ्रू दिस पाथवे, राइट? सो दैट इज द रीजन कि आपका CH3 ग्रुप दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट? सो ऑल दिस वाज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो ये आपको देख लेना, ध्यान रहे, ठीक है? सो ये कंसेप्ट था किसका, जिसमें केवल प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट वाले को। नाउ सम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप दे हैव माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट, राइट? कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनके पास माइनस आई इफेक्ट भी है एंड प्लस आर इफेक्ट भी है। देखिए दोनों अपोज करेंगे, माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, बट प्लस आर इज प्रोवाइडिंग यू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, डोनेट करने की। तो दोनों ही अपोज कर रहे हैं, तो इस केस में आपके पास ओरिएंटेशन क्या रहेगी, कुछ एग्जांपल्स कौन से है, जैसे देख सकते हैं फिनोल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, अमीनो ग्रुप और अमोनियम सब्स्टिट्यूटेड सोल्ट। सो ये जितने भी आपके पास अमीनो ग्रुप्स है या हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है उनका माइनस आई इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, ठीक है? तो इसके लिए क्या है स्ट्रक्चर, देखिए, हाँ, so this is the ortho attack, para attack and meta attack, three attacks है, तो one by one देखते हैं। जब ortho position पे attack हुआ तो आपके पास ये four structures बनी resonance से। यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले केस में जहां केवल plus I effect था वहां पे यही पे reaction stop हो गई, लेकिन यहाँ पे ये extra एक और canonical form आ चुकी है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, क्लियर है? सिमिलर केस में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी चार आपके पास स्ट्रक्चर बनेगी जहां पे ये जो है स्ट्रक्चर, ये दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच मोर, तो यहाँ पे भी इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन मोर है, लेकिन मेटा पोजिशन में वही तीन स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर इसमें कहीं प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? एज पर द रेजोनेंस रूल मोर द कैनोनिकल फॉर्म्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी, एंड फर्दर दीज स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 7 दीज स्ट्रक्चर्स हैव मोर कंट्रीब्यूशन, व्हाई? बिकॉज हेयर ऑल द एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट उनका कंप्लीट है सभी का,
So each atom has a complete octet of electrons, so that's why they are much more stable. So stability इनकी ज्यादा है. So that is the reason कि why these groups which possess the minus I effect and plus R effect, they prefer to give you ortho and para isomers. ठीक है? तो ये these both categories was for the electron donating groups. सो नेक्स्ट आपके पास आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो जिनके पास माइनस आई इफेक्ट होगा और माइनस आर, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनओ टू ग्रुप प्रेजेंट है आपका, एंड ऑर्थो में सेम थ्री स्ट्रक्चर्स, पैरा में सेम थ्री स्ट्रक्चर और मेटा में भी यही तीन स्ट्रक्चर. यहां तक तो ठीक है. नाउ फोकस ऑन दिस टू स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन. दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि उस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच हुआ है, राइट? सो दैट्स व्हाई नाइट्रो ग्रुप बीइंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज पहले ही कार्बन पे ऊपर से ये लगा दिया, तो दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवार्ड इटसेल्फ, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, राइट? और चार्ज बढ़ने का मतलब है अनस्टेबिलिटी. सो दीज बोथ सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस दे विल बी अनस्टेबल. और यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी कोई कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, राइट? तो ये ध्यान रहे. अब इसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यदि देखे, देखिए बेंजीन रिंग आपके मान लो यहाँ पे है, तो एनओ टू ग्रुप जब आपने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सब अटैच कर दिया, दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डीएक्टिवेट द रिंग. डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या, स्टेबिलिटी आ गई, तो एनर्जी वुड बी डिक्रीज. तो आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी कम है, बेंजीन की एनर्जी ज्यादा है. सो दिस वाज द केस ऑफ रिएक्टिविटी. सेकंड वन ओरिएंटेशन यदि हम डिस्कस करें, देखिए यहां से ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ओके? जो नाइट्रो ग्रुप है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी हाई बढ़ गई है, आप देख सकते हैं, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो. यदि रिएक्शन हो भी जाती है तो आपके ऑर्थो और पैरा की एनर्जी बढ़ गई है. रीजन मैं बता चुका हूं कि दिस टाइप ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये इसको विड्रॉ कर रहा है डेंसिटी को, दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स दैट कैन डिक्रीज एंड और यू में से एनर्जी गेट इंक्रीज. तो ये मेटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जिसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है. नाउ टेल मी दिस इज द रेफरेंस लेवल, यहां से एक तो एनर्जी है ये, ओके? एक तो एनर्जी है ये और सेकंड एनर्जी कौन सी है, दिस वन. तो एनर्जी किसकी कम है, अब एनर्जी कम है मेटा वाले की, सो दैट्स व्हाई रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू मेटा पाथवे, राइट? तो ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपका बनेगा मेटा, क्योंकि इसमें अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, राइट? सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, राइट? नेक्स्ट आपके पास आते हैं इफेक्ट ऑफ हेलोजन. मैं आपको पहले भी कहा था कि हेलोजन्स आर द एक्सेप्शनल, राइट? हेलोजन्स हैव द माइनस आई इफेक्ट एंड हैव प्लस आर इफेक्ट, क्लियर है? तो माइनस आई है, प्लस आर है, बट ये एक्सेप्शनल कैसे है, क्योंकि ये है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेकिन ये डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, राइट? सो ऑल दो दे आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, बट दे एक्ट एज अ डीएक्टिवेटर. नॉर्मली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटर्स, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सेप्शनल केस एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर्स. ये आप देख सकते हैं वही सेम चार स्ट्रक्चर बनेगी आपके ऑर्थो पैरा पे, राइट? एंड थ्री स्ट्रक्चर फॉर द मेटा पोजिशंस, राइट? तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ ये एक तो ये स्ट्रक्चर है, ओके? एक ये स्ट्रक्चर है,
तो यहां पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स, यहां पे ये देखिए इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, यहां भी प्लस चार्ज है, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रक्चर यहां नहीं है, राइट। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होंगे? क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हुए आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ा रहे हैं या स्टेबलाइज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बट ओवरऑल द इफेक्ट ऑफ माइनस आई एंड प्लस आर, ओवरऑल द रिंग विल बी डीएक्टिवेटेड। व्हाई? बिकॉज द माइनस आई इफेक्ट विल बी मोर, राइट। तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से ये विड्रॉ कर लेगा, राइट। ऑल्दो द ओरिएंटेशन विल बी द ऑर्थो पैरा बिकॉज इट इज स्टेबलाइज, तो ये आपके दस इन नट शेल द रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, व्हाइल ओरिएंटेशन इज डिटरमाइंड बाय द प्लस आर इफेक्ट। तो ये केवल एक्सेप्शनल केस हैं, केवल हेलोजन ही हैं ऐसे जो ये रिएक्शन जो ये इफेक्ट शो करते हैं, राइट। सो दीज वर द फ्यू कैटेगरीज। मैं फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं आपको, इन द केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो दो फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। एक तो क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, वो बढ़ेगी घटेगी, और दूसरा क्या कि जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पर, राइट। तो इसके लिए नंबर ऑफ कैटेगरीज हमने स्टडी कर ली है, राइट। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, दैट इज द ऑर्थो पैरा रेशियो एंड व्हाट वी मीन बाय दैट। देखिए, तो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, वहां से ऑर्थो और पैरा दो बनेंगे, ठीक है। सो थ्योरेटिकली द रेशियो शुड बी 2:1। Why? Because ortho positions are two and para positions is only one, right? But this ratio that varies depending on the already present electrophile, right? तो substituent जो present है उस पर depending on, यदि आपके CH3 group मान लो bulky है तो ortho position will be blocked and major product will be para. तो steric factor यहाँ पे role play करेगा। तो ये आपका था। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, नाउ सपोज आपके पास मोनो नहीं डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, राइट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग। तो आपके पास दो ग्रुप पहले ही प्रेजेंट है, अब थर्ड ग्रुप आपका आने लग रहा है। सो नाउ व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप एज वेल एज व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। सो ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, राइट। तो इसके बाद देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन द डाई सब्स्टिट्यूटेड इज कन्वर्टेड इन टू ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, द पोजीशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग, राइट। तो कुछ फॉर्मलाइजेशंस है, देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इफ द बोथ ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मान लीजिए जैसे यहाँ CH3 है यहाँ OH है, बोथ आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। सो नेक्स्ट है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आएगा, इस देखिए यहाँ पे आता है लेट सपोज, तो इसके कंपैरिजन में ऑर्थो है बट इसके कंपैरिजन में मेटा है, तो या OH डिसाइड करेगा या CH3। तो उसके लिए ये ऑर्डर है एक्टिवेटिंग इफेक्ट का, ये देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए CH3 ग्रुप यहाँ लाई कर रहा है, इससे ज्यादा ग्रुप किस कौन सा है, OH ग्रुप। सो OH विल डिसाइड, तो OH के पैरा पोजीशन पे आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। क्योंकि ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, राइट, और आपके पैरा पोजीशन पे, तो OH विल डिसाइड द ओरिएंटेशन, राइट। सो इनकमिंग ग्रुप इज डिसाइडेड बाय द मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास एक रीजन था। सर सेकंड क्या है, इफ द वन ऑफ द ग्रुप इज ऑर्थो पैरा एंड अनदर वन इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब सपोज कीजिए
यहाँ पे OH ग्रुप है प्रेजेंट, राइट, तो OH इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो या तो यहाँ आ सकते हैं या यहाँ आ सकता है, ठीक है। एंड दिस CHO इज द मेटा डायरेक्टिंग, दिस मेटा पोजिशन इज ब्लॉक, तो इसके लिए यहाँ आ सकता है, राइट। तो कहाँ पे आएगा, दैट इज, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पोजिशन, बाय द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, ये डिसाइड करेगा। तो यानी यदि आपके पास एक मेटा डायरेक्टिंग है, एक ऑर्थो पैरा है, देन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विल डिसाइड। सो दैट्स व्हाई आपके पास न्यू इनकमिंग कहाँ आया, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे ओएच की, राइट। सो ओएच ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट कहाँ आएगा, ठीक है। सो कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3 के ऑर्थो पोजिशन। अच्छा, इस केस में क्या है, ये स्पेशल केस है, यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। साथ ही ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा बनेगा, अगेन सेम, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई दुविधा नहीं है, दोनों के दोनों एक ही पोजीशन को रीइन्फोर्स कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आपका पैरा ऑर्थो पोजिशन पे या मेटा पोजिशन पे आपका ये प्रोमीन लग जाएगा, राइट। राजन है, रोहित, कोई बात नहीं रोहित, आप चैट बॉक्स में अपना वो भेज दीजिए रोल नंबर, ठीक है, ओके डियर। यादविंदर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है, ओके चलो ये टॉपिक खत्म करके हम फिनिश करते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड कैटेगरी और यू में से क्लासिफिकेशन, जहाँ पे एक तो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, एक आपका मेटा डायरेक्टिंग था जो विड्राइंग ग्रुप है। थर्ड केस में क्या होगा कि इफ बोथ आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यदि दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है तब इनके बीच में लड़ाई छिड़ेगी कि नेक्स्ट को कौन कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए यहाँ भी एक ऑर्डर है, देख लीजिए दिस वन, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, राइट। सो ओरिएंटेशन विल बी डिटरमाइंड बाय लेस पावरफुल, यहाँ ध्यान रहे मोर पावरफुल नहीं है, राइट। तो सपोज कीजिए आपके पास बेंजीन रिंग पे एक NH3+ प्रेजेंट है और एक है आपके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ही मेटा है, देन द ओरिएंटेशन विल बी डिसाइडेड बाय CHO ग्रुप, राइट, नॉट NH3, बिकॉज इट इज द मोर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो बेसिकली केवल यह जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर जिसकी ज्यादा है वही कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ आएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है, इफ द बोथ ग्रुप्स प्रेजेंट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट ऑक्यूपाई मेटा पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये देखिए ब्रोमीन है, Cl है, राइट, दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट मेटा पोजिशन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन दिस केस द ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करेंगे। तो ओरिएंटेशन के लिए देखिए यहाँ पे तो स्टीरिक फैक्टर आ गया, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे तो होगी कम, 1% है आप देख सकते हैं। सो इसके या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, राइट, तो यहाँ पे ये आ गया। सो दिस वर द फ्यू कैटेगरीज इन विच यू मे क्लासीफाई और यू मे आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ फ्यूचर कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और लेट मी सी कितना टॉपिक रह गया, ओके आई गेस आपका एक चैप्टर, एक क्लास और रह गई है, तो हम